हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून, दिस इज सिमरन सिंह. यू आर वॉचिंग अस ऑन पीएमई विद्या चैनल नंबर 10, और यू माइट ऑल्सो कनेक्ट विद अस आवर यूट्यूब चैनल दैट यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ. इट इज एनसीईआरटी ऑफिशियल एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स इन एनसीईआरटी'स लाइव इंटरेक्शन. इट्स अबाउट 2 PM ऑन योर वॉच एंड हेयर इज आर सेशन ऑफ साइंस फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स. Where we will be discussing about refraction of light part 2. This means that the first part of this particular session has been conducted by CIT NCERT. In case you haven't watched that session, then you don't have to worry. It's already available on NCERT official. Now what we will be studying under refraction of light part 2. So we'll get to know more from our today's expert. We are joined by Ms. Leena Agarwal. Namaskar ma'am. Namaskar. Welcome to NCERT. Thank you. Ma'am is a TGD science and currently serving at St. Anselm's Pink City School, has joined in from Jaipur. Viewers, if you have any of the questions, any queries for us, even your messages and feedbacks are invited in the comment box of NCERT official. Besides, here is our contact number on your screen. So you may give us a call at 8800440559. Besides, it's our session for class 10th and the subject is science. So if you have any of the questions, any of your queries remain unanswered in the comment box, then here is our mail ID. You may write to us at dth.class10@cit.nic.in. So ma'am, as we are going to discuss about the second part of refraction of light, I will request you to please brief our audience about the part 1 of refraction of light, the session that has been conducted before. Yes. Good afternoon all. हम आज बात करेंगे रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2. जैसे कि हमने पहले फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, हमने जाना था कि रिफ्रेक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्शन तो हम पहले कर चुके हैं, पर रिफ्रेक्शन क्या था? रिफ्रेक्शन था अगर लाइट एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है. और क्यों होता है? वो स्पीड ऑफ लाइट की वजह से होता है. अब हमने उस टाइम लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन भी पढ़े थे. हमने पढ़ा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं. ये सब चीज़ें हम पहले फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं. अब रिफ्रैक्शन से तो आप वाकिफ हो गए हैं. अब हम बात करेंगे, इस सेशन में हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेज की, जो कि बेस्ड हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे. और जैसे कि आपने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे, ऐसी स्फेरिकल लेंसेज होते हैं. स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन होता है और यहाँ रिफ्रैक्शन होता है. अब स्फेरिकल लेंसेज होते क्या हैं? स्फेरिकल लेंसेज जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो दो बाउंड्रीज के बीच में बाउंड होता है और जिसमें से लाइट जब ट्रेवल करती है तो रिफ्रैक्ट होती है. अब आप कहेंगे कि ये तो हम कर चुके हैं, हमने ग्लास स्लैब में किया था, आपने देखा था ये ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन हुआ था. पर एक कंडीशन है इसकी. अब हम कैसे डिफाइन करते हैं स्फेरिकल लेंसेज को? आप देखेंगे ये भी एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल है बाउंड बाय टू सरफेसेस, पर कंडीशन ये है कि उसका एक सरफेस जो है स्फेरिकल होना चाहिए, मतलब गोल होना चाहिए. स्फेरिकल से आप समझते हैं स्फेरिकल होना चाहिए. अब ग्लास स्लैब में कहीं आपको स्फेरिकल सरफेस दिख रही है? नहीं ना, तो इसका मतलब ये स्फेरिकल लेंस नहीं है. हम इसको हटा देते हैं, हमने इसका काम हो गया. अब हमारा काम आता है स्फेरिकल लेंसेस का. अगर हम डेफिनेशन से देखते हैं तो डेफिनेशन के हिसाब से कम एक सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए. तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम 6 लेंसेज बना सकते हैं. 6 तरह के लेंसेज होते हैं, पर हम बात करेंगे केवल 2 तरह के लेंसेज की जो हमारे कोर्स में है. एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस, जिसको डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव भी कहते हैं. क्योंकि क्यों? क्योंकि इसका, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आपको वैसे नहीं पता चलेगा, पर अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है उसको आप छू के देखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है? जिसकी दोनों सरफेस बल्ज्ड आउट होती हैं. बल्ज्ड आउट मतलब बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं. आप हाथ से छू के पता कर सकते हैं. तो बीच का पार्ट इसका मोटा होता है और ऊपर का पार्ट इसका पतला होता है. अब आप कहेंगे इसको खाली आपने कॉन्वेक्स लेंस लिखा है और आप बोल रहे हो डबल कॉन्वेक्स. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव ही कर रहे हैं, तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए खाली कॉन्वेक्स और कॉनकेव ही बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस. अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये कॉन्वेक्स लेंस, अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस जो है कितने स्फेयर्स का पार्ट है? 2 स्फेयर्स का. स्फेरिकल मिरर में हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर जो था एक स्फेयर का पार्ट था. यहाँ पे क्योंकि इसकी 2 सरफेसेस हैं, आप एक देख सकते हैं, एक येलो सरफेस है,
येलो से मैंने डिपेक्ट किया है, तो ये एक इस स्फेयर का पार्ट है और दूसरा जो सरफेस है वो रेड स्फेयर का पार्ट है। इसको हम डेली उसमें भी देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। जब हमें कोई बहुत छोटी छोटी चीज देखनी होती है, छोटे अक्षर पढ़ने होते हैं या छोटी चीज को बड़ा करके देखना होता है, कॉमन लैंग्वेज में इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। ये आपने बहुत सुना होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, और आई होप आपने देखा भी होगा। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है? वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, और उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है जो कि आप इसमें नहीं देख पा रहे हैं, पर आप अगर फोटो देखते हैं इसका इसका डायग्राम देखते हैं तो ये बीच में से उभरा हुआ है और किनारे से पतला है, तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब दूसरा लेंस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इसका ऑपोजिट होता है, इसकी दोनों सर्फेसेस जो होती हैं अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं, इसका मतलब है इनवर्ड्स होती हैं। ये भी दो सरफेसेस स्फेयर से बनता है, दो स्फेयर से इस तरह से। इसका एक सरफेस जो है जो मुड़ा हुआ है अंदर की तरफ वो एक स्फेयर को बिलोंग करता है, और दूसरा सरफेस जो है वो दूसरे स्फेयर को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये भी दो स्फेयर्स का पार्ट है, और उसको हम दिखाते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं कि ये बीच में जो है पतला है और किनारे से मोटा है। अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो शायद आपको वैसे नहीं पता चलेगा, पर अगर हम इसको छू के देखेंगे तो बीच में से पतला होता है और किनारे से मोटा। तो अब हमारे पास दो तरह के लेंसेज हो गए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स से हमें बड़ा दिखता है, कॉनकेव से अगर हम देखेंगे तो हमें छोटा दिखेगा। अब इसके पार्ट्स, जैसे कि हमने मिरर में किए थे पार्ट्स ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये पार्ट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। किस चीज़ के लिए? रे डायग्राम बनाने के लिए, हमें पता करना है कहाँ इमेज बनती है, और कैलकुलेशन के लिए भी, हमें कैलकुलेशंस भी करनी होती हैं, उसके लिए हमें पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने मिरर में देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर एक था, पर अभी हम मैंने आपको डायग्राम दिखाया है कि ये जो लेंसेज हैं ये दो स्फेयर्स के पार्ट हैं, तो इसमें दो सेंटर्स होंगे, दोनों सेंटर्स दोनों स्फेयर्स के अलग अलग सेंटर, इसीलिए इसमें दो सेंटर्स होते हैं, और ये सेंटर्स ऑफ कर्वेचर C1 और C2 से हम डिपिक्ट करते हैं। आप जानते हैं कि हमें डिपिक्ट करना होता है रे डायग्राम के लिए, तो उसमें हम C1 और C2 से डिपिक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम ना तो रे डायग्राम बना सकते हैं ना ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि आपको पता ही है, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो कि दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए जाती है और लेंस के बीच में से जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। दूसरा नेक्स्ट पार्ट है उसका, थर्ड पार्ट है, ये हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज की या पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज की, जिनके बिना हम लेंसेज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये डिस्क्रिप्शन के लिए हमें ये ज़रूरी है, इसलिए हम इसको हम समझ रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एक्चुअली ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। अब आप अगर देख सकते हैं तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। थर्ड फोर्थ पार्ट है एपर्चर। एपर्चर जैसे कि मैं आपको इसमें फिगर में भी दिखा रही हूँ, MN डायमीटर ऑफ दिस, सॉरी डायमीटर ऑफ दिस, देख रहे हैं आप, इसका डायमीटर जो होता है वो इसका एपर्चर कहलाता है, MN जो कि डिनोट किया हुआ है MN से। अब आप इसमें देख सकते हैं जो मिड पॉइंट है O ऑप्टिक सेंटर है, C1 और C2 इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, और ऑप्टिक कॉनकेव लेंस के भी सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2 हैं, एक एक तरफ है और दूसरा दूसरी तरफ है। तो ये हमारे पार्ट्स हो गए। अब एक चीज़ तो हम भूल ही गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने स्फेरिकल मिरर्स में भी करी थी, वो है फोकस। आप कहेंगे फोकस, फोकस भी तो पार्ट है इसका, आपने फोकस तो बताया ही नहीं। फोकस पार्ट नहीं होता है लेंस का, लेंस से हमें फोकस डिराइव करना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट है जो हम डिराइव करते हैं लेंस से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस से हम सनरेज को फोकस भी करते हैं। आपने भी किया होगा कभी, अगर सनरेज को हम फोकस करते हैं तो हमें छोटा सा सन दिखता है, या छोटा सा आपको लाइटिंग पार्ट दिखता है, ब्राइट पार्ट ब्राइट पॉइंट दिखता है, वो सन का इमेज है, तो हम फोकस करते हैं। पर अब हम निकालने का, हम इससे अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ निकाल भी सकते हैं, पर अभी हम जानेंगे कि होता क्या है लेंस के केसेस में, क्या होता है, क्योंकि मिरर के केसेस में तो हमने देखा था। अब लेंस के केसेस में अगर रेज
लाइट रेज पड़ती हैं लेंस पे जो रिफ्रैक्ट हो रही हैं, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो वो रेज क्या होंगी, वो रिफ्रैक्ट होंगी। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्ट होंगी। अब रिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएंगी, दोनों लेंसेज के केसेस में ये डिफरेंट है। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं फिगर में, कॉन्वेक्स लेंसेज में ये जो रेज हैं ये कन्वर्ज होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग लेंस होता है क्योंकि ये रेज को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, इसलिए इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंसेज में आप देख रहे हैं कि रेज कन्वर्ज होके फोकस एक पॉइंट से जा रही है, सारी रेज जो भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के ये एक पॉइंट से जा रही है, ये पॉइंट होता है फोकस। और हम फोकस डिस्टेंस का, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस, ये कहलाता है हमारा फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली नहीं बट ऑलमोस्ट, किस डिस्टेंस पे होता है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो जनरली हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेंस के केस में हम 2F1 से भी डिनोट करते हैं, या हम वो पॉइंट लेते हैं जो फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे है। ऐसे ही कॉनकेव लेंस पे, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस पे फोकस क्या, तो क्या होता है, अगर रेस पैरेलल है, अब आप देख रहे हैं कि रेस पैरेलल है पर ये तो कन्वर्ज कर ही नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, रेस को डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज मतलब अपने से दूर फेंक रहा है कि भाई मेरे पास मत आओ, मेरे प्रिंसिपल एक्सिस को मत टच करो। तो हमें कैसे पता चलेगा फोकस क्या है, इस केस में हमने कॉन्वेक्स लेंस में तो जान लिया कि ये फोकस है, पर कॉनकेव लेंस के केस में हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम जो डाइवर्जिंग रे है, जो ये रे जा रही है उसको हम फोकस की तरफ, पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं और हमें पता चलता है कि ये पॉइंट से आती हुई अपेयर हो रही है, अपेयर मीन्स प्रतीत हो रही है, हमें पता चल रहा है कि ये इस पॉइंट से आ रही है पर वो एग्जैक्टली एक्चुअली नहीं जा रही है, ये अपेयर हो रही है। तो जो पॉइंट जिससे ये रेज आती हुई प्रतीत होती है या जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, उस पॉइंट को कहते हैं हम फोकस, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। आप अब एक केस, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे पास दो फोकस है, दो फोकाए हैं, एक F1 और एक F2। हम दोनों को ही प्रिंसिपल फोकस कहते हैं क्योंकि इस केस में अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसका प्रिंसिपल फोकस जो है F2 होगा जो कि राइट हैंड साइड में है, पर कॉनकेव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसका प्रिंसिपल फोकस भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा F1। इसका F1 प्रिंसिपल फोकस होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें F1 प्रिंसिपल फोकस है और कॉन्वेक्स लेंस में F2 प्रिंसिपल फोकस है, क्योंकि जनरली हम ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन में कि ऑब्जेक्ट को हमेशा जनरली इस केस में, हर केस में हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में रेज जाएंगे रिफ्रैक्ट होके। अब यहाँ पे F2 और F1 के बारे में आपको पता चल ही गया है। अब हम उन इन कंपोनेंट से और फोकस से हम क्या कर सकते हैं, हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता करना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी। रियल और वर्चुअल आपको याद होना होगा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती हैं। रियल इमेज वो इमेज होती है जहाँ पे रेज एक्चुअली मीट होती हैं, और वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जहाँ हमें अपीयर होता है कि रेज मीट कर रही है ना। तो रियल और वर्चुअल, ये हमें टाइप ऑफ इमेज, प्लेस ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये सब हमें कैसे पता चलेगा, रे डायग्राम से। अब रे डायग्राम बनाने से पहले कुछ रूल्स होते हैं, हमें पता है हर काम के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो क्या रूल्स होते हैं, रूल्स किसके, रूल्स रिफ्रैक्शन के। जैसे हमने रिफ्रैक्शन के रूल्स फर्स्ट पार्ट में किए थे, यहाँ पे हैं रूल्स रे के, कि जब वो लेंस में से पास होती है, हमने तब देखा था कि वो कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है तो कौन से रूल्स फॉलो करती है, पर यहाँ हम स्पेशली लेंस के लिए देखेंगे कि स्फेरिकल लेंस से जब पास होती है लाइट रे तो वो किस डायरेक्शन में जाती है। तो इसके लिए फर्स्ट रूल है कि अगर रे जो है पैरेलल है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। और कॉनकेव लेंस के केस में अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डाइवर्ज होगी पर वो फोकस से आती हुई लगेगी हमें, ठीक है।
तो ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल, इसके दो तीन रूल्स होते हैं। सेकंड रूल क्या है कि अगर वो प्रिंसिपल फोकस से, मतलब प्रिंसिपल फोकस मतलब दूसरे फोकस से, अगर दूसरे प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, ये इसका पहले रूल का ऑपोजिट है। आप देख सकते हैं कि अगर रे जो है F1 से जा रही है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या था, हमने डिस्कस किया था कि F2 इसका प्रिंसिपल फोकस है, तो अगर रे F1 से जा रही है तो रिफ्रेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। और इस केस में दूसरा फोकस कौन सा है अपना, अपना है F2। तो रे अगर F2 पे एक्चुअली, ये एक्चुअली तो जा नहीं सकती है, उससे पहले ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो जो रे उसकी डायरेक्शन में जा रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा सेकेंड रूल है। थर्ड रूल जो कि हमने पहले भी देख रहा है रे डायग्राम में, पर ये बहुत स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल क्यों, क्योंकि इसमें रे पास हो रही है लेंस से, पर स्पेशलिटी क्या है, ये रिफ्रैक्ट भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं रिफ्रैक्ट हो रही है, क्योंकि ये ऑप्टिक सेंटर से जा रही है। ये ऑप्टिक सेंटर की एक प्रॉपर्टी है कि रे जो है अंदर जो है रिफ्रैक्ट नहीं होती है। अगर कोई भी रे ऑप्टिक सेंटर से पास होती है तो वो विदाउट डेविएशन सीधी सीधी चली जाती है। ये इसका स्पेशल केस कह दीजिए आप, या स्पेशलिटी है ऑप्टिक सेंटर की। अब इन तीनों रूल्स में से हम कोई भी दो रूल्स लेके इमेज फॉर्म करेंगे। हमने पहले भी किया है। एक तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन में आपको याद रखना होगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं, मतलब इरेक्ट लेंगे, उसका जो फुट है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे और उसके टिप पे से या हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर से हम दो रेज लेंगे, खाली दो रेज लेंगे। वो रिफ्रेक्शन के बाद कहाँ एक्चुअली मीट हो रही हैं या मीट होती हुई लग रही हैं, वो जो पॉइंट होगा वो हमारा इमेज का पॉइंट होगा, और उस पे से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हम जान सकते हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है और किस तरह की और कितनी बड़ी फॉर्म हो रही है। तो फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये वाला रे डायग्राम आपने पहले भी देखा है। अब ये आप कहेंगे कि इसमें भी रेज पैरेलल आ रही हैं, दो रेज आपने कहा है, क्यों आ रही है पैरेलल? इसके बारे में हम रिफ्लेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि कन्वेंशनली साइंटिस्ट क्या लेते हैं, ये लेते हैं कि अगर रेज, लाइट रेज बहुत दूर से आ रही हैं, इन्फिनिटी का मतलब काफी दूर से आ रही हैं, जैसे सन से आ रही हैं, तो सन से जो रेज आ रही हैं वो इतनी दूर से ट्रेवल करते 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 वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो वहां से जब रेज आएंगी तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने ले लिया है कि ये रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो रही हैं। तो अब ये दोनों रे, ये रेज आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप जानते ही हैं कि अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। तो सारी रेज जो है फोकस से पास हो रही हैं और ये रेज एक्चुअली मिल रही हैं। इसका मतलब किस टाइप का इमेज बन रहा है, यहाँ पे पॉइंट साइज बन रहा है, पर रियल है, रियल है तो ये इन्वर्टेड होगा। तो फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमारी बहुत छोटी, रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज बन रही है, और कहाँ पे बन रही है, फोकस पे। अब सेकेंड केस, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा एम है कि हम डिफरेंट पोजिशंस पे ऑब्जेक्ट को रखें। हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव से हम पास में ले आए, उसको कहाँ ले आए, हम उसके पास, हम इमेज लेंस के पास ले आए। हमने अब कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, आप जैसे देख सकते हैं इरेक्ट है ये, हमने रखा इसको बियॉन्ड 2F1, 2F1 से थोड़ा सा दूर रखा और फाइनाइट डिस्टेंस पे है। यहाँ से अगेन हमने जैसे बात करी थी कि हम इसके टिप पे से एक रे लेंगे, वो रिफ्रैक्ट होके, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट होके F2 से जाएगी। दूसरी रे हम सीधी सीधी ले लेते हैं ऑप्टिक सेंटर से। हम सिंपलेस्ट काम कर रहे हैं कि हमने ऑप्टिक सेंटर से ले ली। आप थर्ड रे भी लेके देख सकते हैं, जब आप बनाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप थर्ड रे भी लेके देख सकते हैं, वो रे भी इसी पॉइंट से जाएगी। पर हमने अभी दो रेज ली हैं, ये दोनों रेज कहाँ मिल रही हैं, ए डैश पे। ए डैश से हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली मिल रही है, इसका मतलब किस तरह की इमेज मिल रही है हमें, हमें मिल रही है रियल और इन्वर्टेड इमेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे बन भी रही है रियल और इन्वर्टेड, और ये जो है ये बन रही है F2 और 2F2 के बीच में, और ये इसका साइज जो है ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा है। अब नेक्स्ट केस में हमने और पास में ले आया उसको, ऑब्जेक्ट को हम लेंस के पास में।
तो हमने रखा उसको 2F1 पे, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ डिस्टेंस पे। आप देख रहे हैं कि जब हम बनाते हैं इसकी इमेज, सेम प्रोसेस वही है, हम जब इमेज बनाते हैं तो इसकी इमेज बन रही है 2F2 पे। हमने वही दो रूल्स लिए हैं कि जैसे एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हो रही है, दूसरी ऑप्टिक सेंटर से जा रही है। जब हम ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर तो हमें सेम साइज की मिलती है। अब हम देख रहे हैं कि साइज जो इमेज का है वो सेम है या इक्वल है ऑब्जेक्ट के, तो ये केस में हमें सेम साइज की मिलती है। अब हम इसको और पास ले आए, ऑब्जेक्ट को हमने लेंस के और पास में रख लिया। कहाँ रखा हमने? अब हमने रखा है इसको F1 और 2F1 के बीच में। जब हम इन दोनों के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो अब हम देख रहे हैं इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है। इमेज हमारी बियॉन्ड 2F2, मतलब 2F2 से और दूर। अब इन सब केसेस में आपने देखा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ला रहे हैं, इमेज जो है लेंस से दूर हो जा रही है। वो कह रही है मुझे ऑब्जेक्ट के पास नहीं रहना है, और अपना साइज वो बड़ा करती जा रही है। इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है। सबसे पहले केस में पॉइंट साइज था और अब ये ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया है, पर एक्चुअली मीट हो रही है, तो इसका मतलब हमारे रियल इमेज बन रही है। नेक्स्ट केस है, अब ये फर्स्ट केस का रिवर्स केस है। रिवर्स क्यों? क्योंकि तब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लिया था तो हमारी इमेज फोकस पे बनी थी। अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है, और अब आप इसमें रे डायग्राम से देख सकते हैं कि ये दोनों रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू कन्वेक्शन ये रेज जो है कहाँ मिलेंगी? ये रेज हमें इन्फिनिटी पे मिलेंगी, बहुत दूर जाके, पर एक्चुअली मिलेंगी तो रियल इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज इमेज हमें मिलेगा। अब हम देख रहे हैं इसमें क्या देखते हैं हम नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस एक केस और है हमारे पास। अभी अभी हमारे पास एक केस और बचा है। कौन सा केस है? इसमें हमने ऑब्जेक्ट को और पास ले आए लेंस के। अब इमेज को आ गया गुस्सा, वो कह रही है मैं नहीं मिलूंगी। रेस कह रही है हम नहीं मिलते, बार बार हम क्यों मिले आगे। तो अब रेस क्या करेंगी? रेस नहीं मिल रही, यू कैन सी देयर, आप देख रहे हैं जैसे एक रे जो पैरेलल है वो वहां से गई, F2 से पास होगी, वो तो अपने रूल्स के हिसाब से जा रही है, और दूसरी वाली रे है जो ऑप्टिक सेंटर से जा रही है, पर ये दोनों एक दूसरे से गुस्सा होके दूर दूर जा रही है। अब अगर कोई चीज दूर दूर जा रही है तो वो कहीं मिलेगी? नहीं, वो कहीं भी नहीं मिल सकती आपको। तो अब ये मिलेगी नहीं तो इमेज कैसे बनेगी? बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम रेस को हम पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे। हमने भी एक होशियारी करी, हमने रेस को पीछे की तरफ बढ़ा लिया। हमने डॉट 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 से आप देख रहे हैं, हमने पीछे की तरफ बढ़ा के देखा, कहीं तो मिल रही है, कहीं तो मिलती भी अपीयर हो रही है, कुछ तो बनाएंगी इमेज। हमने देखा कहाँ मिल रही है ये इस पॉइंट पे मिल रही है। अब इस पॉइंट पे हम ड्रॉप करेंगे तो हमने देखा हमें इमेज मिल रही है इरेक्ट, क्योंकि ये वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि हमें मिलती भी प्रतीत हो रही है ना, तो ये वर्चुअल इमेज बन रही है। यही केस होता है जब हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज करते हैं। आप देखते हैं ना, जब मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखते हैं, अगर आप देख रहे होंगे, अगर मेरा कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे आपको इमेज, तो आप देख रहे होंगे ये बड़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में वर्चुअल इमेज बनती है जो कि हम डायरेक्टली देख सकते हैं। आपको पता होगा वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी, कि वर्चुअल इमेज जो है हमें डायरेक्टली दिख जाती है आंख से, रियल इमेज नहीं दिखती है। रियल इमेज को हमें स्क्रीन पे लेना पड़ता है तब हमें दिखती है। तो ये जो है वर्चुअल इमेज बन रही है, ये बड़ी बन रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि ये केस जो है हम यूज करेंगे जब हम लेंगे डिफरेंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच में। जब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स का डिफरेंस देखेंगे ना, तब उस टाइम ये हमारी इमेज फॉर्मेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको टेबलो फॉर्म में दिखाया है। टेबलो फॉर्म में आप देख सकते हैं, इससे हम एट ए ग्लांस हम पता कर सकते हैं कि कैसे हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो पास, ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारी लेंस से दूर जाती जा रही है, और उसका साइज पॉइंट साइज से बड़ा होता जा रहा है। इस केस में, फिफ्थ केस में वो हाईली एनलार्ज हो गया है, और सिक्स केस में भी बड़ा है, पर इसमें वर्चुअल बनती है। तो फर्स्ट 5 केसेस में हमें रियल और इन्वर्टेड मिल गई, और 6 केस में हमें वर्चुअल और इरेक्ट मिल गई। ठीक है, अब आपने हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस, अब कॉनकेव लेंस उसको कैसे छोड़ सकते हैं? उसको छोड़ सकते जी हैं? नहीं, मैम, वो भी बिफोर मिल। प्रोसीडिंग इन द डिस्कशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर लेफ्ट बाय द लास्ट 5 मिनट्स इन दिस सेशन, सो आई ओके, बस रिक्वेस्ट यू टू आई विल प्लीज मेक टेक इट 5 मिनट्स ओनली, या बिकॉज कॉनकेव लेंस ज्यादा परेशान नहीं करेगा।
कॉनकेव लेंस में खाली दो ही पोजीशन होती है, हम इतनी सारी पोजीशन नहीं लेंगे। कॉनकेव लेंस कहता है मैं तो हर बार में ही खाली वर्चुअल इमेज बनाऊंगा। तो अब कॉनकेव लेंस का आप देख रहे हैं, अगर पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे सेम कॉन्सेप्ट की रेज पैरेलल होंगी एक दूसरे के, और हमने लिया है रेज जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, वो फोकस से आते हुए इस डायरेक्शन में जा रही हैं। अब ये दोनों रेज अगर आप देखते हैं, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जो है ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अब ये भी नहीं मिलेंगी आगे कहीं। तो हम इसको पीछे बढ़ा के देख लेते हैं, हम पीछे की तरफ इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें देख रहे हैं कि ये फोकस पे मिल रही हैं, फोकस पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, और ये बहुत छोटा है तो इसका मतलब हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज वी विल गेट ऑन द फोकस। ठीक है, अब इस केस में भी हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा पास में लाते हैं, अब हम फाइनाइट डिस्टेंस पे। इसमें खाली दो ही कंडीशन है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में था इसी तरह कॉन्केव लेंस में है, खाली दो कंडीशन है या दो पोजीशन है। अब हम फाइनाइट डिस्टेंस पे लाएंगे, फाइनाइट डिस्टेंस पे अब हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, हमने ऑब्जेक्ट के टिप पे से एक रे ली, ऑब्जेक्ट के टिप पे से एक रे पैरेलल है वो डाइवर्ज होके उधर चली गई, और दूसरी वाली जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी सीधी निकल गई। अब अगर हम रिफ्रैक्शन के बाद देखेंगे तो दोनों रेज नहीं मिल रही हैं, पर हमने एक रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाया और दूसरी वाली रे मिली रही है यहाँ पे, तो यहाँ ये दोनों मिल रही हैं ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में। अभी भी ये छोटी है पर फाइनाइट डिस्टेंस पे है जब ऑब्जेक्ट, तो हमें वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज हमें ऑब्जेक्ट की मिल रही है। तो हमने देखा दोनों केसेस में हमें वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड मिलती है, तो यही डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। कॉनकेव लेंस में हमेशा हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी, और कॉन्वेक्स लेंस में हमें खाली एक केस में वर्चुअल इमेज मिलेगी, और वो वर्चुअल इमेज भी हमारी बड़ी होगी। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों लेंसेज में, अगर सपोज हम अगर दोनों लेंसेज ऐसे ही रखे हैं और आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन दोनों लेंसेज से कोई चीज़ को ऑब्जर्व करिए, तो आप देखेंगे जिस लेंस में आपको बड़ा दिख रहा है इसका मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस है, और जिस केस में आपको छोटी दिख रही है इमेज उसका मतलब वो कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का डिफरेंस हो गया, हमने रे डायग्राम भी देख लिया कि डिफरेंट पोजीशंस के लिए कहाँ बनती है। अब इसके ऊपर ये हमें समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए मैंने एक दो प्रॉब्लम्स दिखाई हैं, शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, इससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि हमें इमेज किस तरह की बनती है और कैसे बनती है, और जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं तो हमें किस तरह की इमेज मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आप रे डायग्राम बनाए इसकी प्रैक्टिस बहुत करिएगा, और जब भी आप रे डायग्राम बनाए उसमें एरोज जरूर दिखाइएगा, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में बताया था एरोज जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये एरोज हमें बताते हैं कि लाइट रे किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, आप देखें एक क्वेश्चन, इमेज जो कॉन्वेक्स लेंस से बन रही है वो वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज है। हमेशा याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस से जब भी वर्चुअल इमेज हमें मिल रही है वो हमेशा बड़ी होगी। तो अब वो एक ही केस में मिलती है, हमने छह केसेस देखे थे इसके, उन छह में से खाली एक केस में कौन सा केस है। अब अगर आप इन तीन चारों को पढ़ेंगे तो इनमें से जो मैंने इसको आपके कन्वीनियंस के लिए इसको ब्लू कर दिया है, तो आप देख सकते हैं जब, अब आपको वैसे भी याद होना चाहिए कब मिलेगी हमें वर्चुअल और इरेक्ट और बड़ी इमेज, जब हम ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे, है ना। जैसे ही फोकस तक तो जो है हमारी रियल इमेज मिल रही है, उसके बाद जैसे ही हम और पास में लाते हैं तो वो वर्चुअल इमेज बनाने लगती है और हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, बड़ी मिलती है हमेशा। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे हमने लेंस के बारे में बात कर रहा था, लेंस की डेफिनेशन क्या थी कि वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है और इसमें रिफ्रैक्शन होता है, और ये बात हमने तब भी करी थी जब हम रिफ्रैक्शन कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में। रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट रे एंटर करती है किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में। तो इनमें से कौन सा है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये तो आपको देख के भी पता चल जाएगा, वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है, पर क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो क्ले से हम लेंस नहीं बना सकते। Well, with that, I think that we have covered all the important topics okay. under this particular I hope subject. You must have understood this. Yeah. So we hope as well.
Thank you so much for connecting with us and explaining us about this beautiful topic that is Reflection of Light Part 2. Thank you. Thank you to all the viewers who connected with us for this session of Science, and stay connected to NCERT. We'll be back with another session of Urdu. Namaskar.